तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है पैंट में वो बैक पल्ला में होता है, पीछे का पल्ला में मेरा कटिंग जो होता है सबसे हटके होता है। तो इस वीडियो में आप सीखोगे पैंट का बैक पल्ला फॉर्मूले के साथ समझोगे डिटेल्स में। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आप सब जो है ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अच्छे तरीके से बैक पल्ला कितना उठाना चाहिए, फ्रंट कितना डाउन करना चाहिए, सब चीज़ बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले ऊपर से जो है उसको सीधा निशा लगा देंगे, ऊपर से सीधा 1 इंची डाउन किया है तो 1 इंची का मार्का लगा दिए, ठीक है। और यहाँ से सीधा कर देंगे, ये समझने के लिए हम मार्का आप सभी को लगा रहे हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ये फिक्स मार्का नहीं है। उसके बाद ये थाई है, थाई में जो है 2 मार्का लगता है, 1 फिक्स लगता है, उसका 1.25 इंच नहीं लगता है। उसके बाद ठेहुना का मार्का लगता है और फिर मोहरी का मार्का लगता है। तो वो तो हम लगा दिए। अब फिर से जो हम मार्का लगाएंगे थाई का, ये देखिए जांग अगर फिटिंग है तो 2.25 इंच, लूज है तो 2.5 इंच। ठेहुना में जो है 2.25 इंच और नीचा मोहरी में 1.5 इंच, अगर कम सिलाई पकड़ करते हो फिक्स लाना है तो 2.25 इंच, परफेक्ट। अब देखिए यहाँ से जो 1 इंची है ना, ये सीधा करने के लिए हम मार्का लगाए थे, ये 1.5 इंची ऊपर उठता है बैक पल्ला, ये समझाने के लिए हम मार्का लगाए थे, इसको हमने काट दिया। ये क्यों मार्का लगाए थे कि हमने इसको फर्स्ट पल्ला को आप देख सकते हो कि 1 इंची हम डाउन किए हैं। अब इसको 1.5 इंची बैक पल्ला को, आगे का पल्ला अगर डाउन करना है 1 इंच तो बैक पल्ला को 1.5 इंच उठाना है, ठीक है। ये जो मार्का है थाई का, इसको इस तरीके से लगा देना है मोहरी से लेकर नीचा तक ऊपर थाई तक। इसके बाद ये लूजिंग दे देंगे, लूजिंग थाई में दिए हैं और मोहरी कम है तो मोहरी तक दे देंगे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे हम जो मार्का लगाए हुए हैं दो को, एक फिक्स है एक सिलाई का, ठीक है, जहाँ सिलाई का है वहाँ से इंची टेप को रखेंगे। ये 1.25 पे मार्का लगा दिए 31 है, तो 1 इंची टेकिंग के लिए, ठीक है। अब ये टेकिंग के लिए हो गया, यहाँ पर कमर कम बेस करने के लिए 2.5 इंची का ये हमने गैप दे दिए, ओके। अब ये हिप का लगाएंगे तो 1/2 इंच सिलाई का मार्का हटा दिए और हिप जो है इसका देखिए 35 है, परफेक्ट। तो 35 है तो 35 का चौथाई भाग आपका हो जाएगा 9.25, ठीक है, 9 इंच में 2 सूत कम, ये देख लीजिए। अब इसको इस तरीके से रखना है और ये मार्क लगा देना है। और फिटिंग पैंट में जो लूजिंग देना है 0.5 से 1/4 इंच और लूज पैंट में जो यहाँ से दोगे तो 2.25 इंच, ठीक है। ये देखिए 1/4 इंच हमने दे दिया, 1 से लूज पैंट में 1 से 2.5 इंच दे जाता है यहाँ से, ठीक है, थाई के पास दिलाता है इस जो मार्का है वहाँ पे। अब इसको इस तरीके से हम मार्का लगा लेंगे, ये परफेक्ट हो गया। यहाँ से इस तरीके से हल्का राउंड कर लेंगे, इस पे सिलाई होगा, इस मार्का पे सिलाई होगा, ये जो मार्का लग रहा है इस पे कटिंग होने वाला है, ये देखिए परफेक्ट। तो यहाँ तक तो आप अच्छे तरीके से बिल्कुल 100% समझ गए होंगे। अब इसको कटिंग करेंगे, उसके कटिंग के बाद का जो है ये मार्का हम लगाएंगे थाई के कैसे लगाना है और बैक पॉकेट का जो है मार्का कैसे लगाना है, डिटेल्स में बताने वाला है A to Z। और आप सबको जो है ये कमेंट करना है कि बैक पल्ला जो हमने कटिंग किया है क्या आप सब में भी ऐसा कटिंग करते हो। हमें उम्मीद है कि आप लोग ऐसा कटिंग नहीं करते होंगे और वीडियो थोड़ा सा सर के ऊपर गया होगा, तो मेरा पैंट कटिंग का वीडियो आप देख लेना, तब जाके ये समझ में डिटेल्स में आएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग बोलोगे सर ये वो दिस डैट, तो वो कुछ नहीं, आप मेरा फुल पैंट का कटिंग देखोगे फिर जाके ये वीडियो खूब अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे तरीके से माइंड में सेट होगा। और इस तरीके से अगर पैंट कटिंग करोगे ना तो मसाला इतना अच्छे तरीके से फिट होता है, बैठता है, हिप से लेकर थाई से लेकर लटक से लेकर हायरन से लेकर और मसाला हर चीज़ अच्छे से बैठता है। और ये हम मार्का इस तरह लगा देते हैं कि ये जो है मार्का मेरा बढ़ती का है, एक्स्ट्रा कपड़ा का है, ठीक है। तो कोई भी कारीगर या सिलाई के समय जो है हम खुद से सिलाई करेंगे तो हमको तो पता है, लेकिन कोई कारीगर सिलाई करेगा उसको कैसे पता चलेगा दूसरे पल्ला में, इसलिए ये सब खास ज़रूरी होता है मार्का लगाना। बैक पल्ला कैसे, पॉकेट का मार्का कैसे लगता है वो देखिए। तो हिप का जो मार्का है वहाँ से 0.5 से 1/4 इंच इस तरीके से मार्का लगा देना है। उसके बाद वहाँ से इंची टाइप को रखकर बीच का सेंटर लगाना है, वहाँ से 2.5 इंच इधर 2.5 इंच उधर हमने मार्का लगा दिया, 5 इंच का पॉकेट चाहिए और ऊपर से 3.5 इंच का इस तरीके से मार्का हम लगा कर स्ट्रेट कर लिए, ये पॉकेट का मार्का फिक्स हो गया, ठीक है। और उधर से साइड से अगर कपड़ा बचना चाहिए तो 2 से 2.25 इंच बचना चाहिए। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं।